हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारीexam.com में, जो कि देता है अपडेट सबसे पहले। पाना हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट या एंसर की से जुड़ी जानकारी, एक नाम याद कर लीजिए, सरकारीexam.com। सरकारीexam.com ही दोस्तों देता है सभी साइटों से सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट। तो एक नाम हमेशा याद रखिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज पाने के लिए सरकारीexam.com गूगल पे हमेशा टाइप करिएगा सरकारीexam.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाजिर हम एक और नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती है रक्षा से जुड़ी हुई, यानी रक्षा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, जिसका लाखों बच्चों को इंतजार रहता है। ये कोई आर्मी की भर्ती नहीं है, ये कोई BSF की भर्ती नहीं है, ये कोई CRPF की भर्ती नहीं है, ये भर्ती है DRDO की, जिसमें निकली है 1000 से ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्तियाँ। तो हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई तमाम अपडेट पाते रहने के लिए और सबसे तेज सबसे पहले पाते रहने के लिए। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जो डिफेंस की तैयारी, जो रक्षा जॉब्स होते हैं, उनके लिए लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सभी का हो नहीं पाता। कोई अपने फिजिकल एलिजिबिलिटी की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाता, किसी की हाइट कम रह जाती है, या कोई फिजिकली फिट नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो भर्ती में जाके छट जाता है। लेकिन मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आपको कोई हाइट नहीं चाहिए, कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाता है। आपके जो टैलेंट है उसके अनुसार आपको वहाँ पे जॉब दी जाती है। यह भर्ती है DRDO की। अब इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, कब से इसके लिए आवेदन होने हैं, और आयु सीमा क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, और कैसे इसको अप्लाई करना है, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा आज के इस वीडियो में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है सरकारीexam.com। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको आना है नीचे न्यू अपडेट के सेक्शन में, आपको टॉप ऑनलाइन जो है वहाँ पे सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ न्यू अपडेट के सेक्शन में तो दिया ही हुआ है DRDO CPTM 10 एडमिन एंड LD ऑनलाइन फॉर्म पे आपको क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने DRDO भर्ती से जुड़ी हुई तमाम अपडेट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट नेम है वो एडमिन एंड LD A&A ग्रेड वेरियस पोस्ट के अंतर्गत इस भर्ती को निकाला गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं वो हम आपको भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भर्ती है वो 1071 पदों पे निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता है वो मैक्सिमम पोस्ट में 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मांगा गया, यानी जो भी छात्र 10वीं और 12वीं पास हो इस भर्ती के लिए मैक्सिमम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल में, तो इसका जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो 27 अक्टूबर को हो गया था। अप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ वो यानी आज से स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर से। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अप्लीकेशन फीस यहाँ देखने को मिल सकता है कि जो जर्नल OBC EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये जो है अप्लीकेशन फीस रखा गया है। SC ST PH वालों के लिए कोई अप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया। वहीं पे फीमेल जो अप्लीकेंट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी कोई अप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। बच्चे अपना अप्लीकेशन फीस जिनको जमा करना है वो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ अगर बात करते, जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 30 वर्ष रखा गया है, पोस्ट कोड 0301 एंड 0401 के लिए है। वही मैक्सिमम में 27 ईयर बाकी सभी पोस्टों के लिए, यानी दो पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्टों के लिए जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु सीमा वो 27 वर्ष रखी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बताई दिया, 1071 पदों के लिए निकाली गई है DRDO के अंदर, जो इस साल की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है DRDO की, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट कोड 0301 है उसके अंदर जूनियर ट्रांसलेटर ऑपरेटर JTO का जो है पोस्ट निकाला गया है, इसके अंदर 33 पोस्ट है। वहीं स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 0401 के अंतर्गत निकाला गया है इंग्लिश टाइपिंग 215 पदों के लिए, ठीक है। नीचे आते हैं तो पोस्ट कोड 0501 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश टाइपिंग के लिए 123 पद और निकाले गए हैं। यहीं पर पोस्ट कोड वाइज बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर इंजीनियर का है, फायरमैन का है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का है, व्हीकल ऑपरेटर का है, स्टोर असिस्टेंट का है, ठीक है। बहुत सारे पद हैं, और साथ में जो यहाँ पे पद संख्या भी यहाँ पे दी गई, यानी पोस्ट नंबर भी यहाँ पे सामने दिया गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं
क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो JTO जूनियर ट्रांसलेटर के लिए उसके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है। साथ में अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो उसके लिए बैचलर डिग्री यानी स्नातक पास होना चाहिए। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए है उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे जो 12th पास बच्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग के लिए भर सकते हैं, बतौर उनको 12वीं पास होना चाहिए। साथ में इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। उसके नीचे फिर हिंदी टाइपिस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, जो इंग्लिश टाइपिंग है उसका हिंदी टाइपिंग के लिए भी एक जॉब निकालेगी, उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। साथ में जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। अब स्टोर असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो उसके लिए भी 12th पास जो बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पे स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए भी 12th पास जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी 12th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल ऑपरेटर के लिए जो है 10th पास बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, साथ में उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। 10वीं पास होना चाहिए, उनके पास व्हीकल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे 10वीं पास बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फायर इंजीनियर की बात करते हैं, यहाँ भी 10वीं पास छात्र जो है वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के लिए भी 10वीं पास छात्र जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैक्सिमम पोस्ट के लिए, यानी आप 10वीं 12वीं पास है तो इसके 5-6 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट के अनुसार होगा। यानी मैंने पहले ही बताया था कि आपके टैलेंट आपके स्किल जो होगा आपका सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो आपका एक एग्जाम होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी आपके टैलेंट को यहाँ परखा जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के अंतर्गत। यहाँ आपकी कोई फिजिकल एलिबिलिटी नहीं देखी जाएगी कि आप छोटे हैं मोटे हैं लंबे हैं नाटे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास टैलेंट है तो हाँ आप जॉब पा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में लिंक दी गई है, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है, फॉर्म खुल जाएगा, आप यहाँ से आके अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिना पढ़े आप कोई भी फॉर्म ना भरा करें। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, साथ में जो हमारी सरकारी एग्जाम की टीम है वो अपने हर पोस्ट पे लिखती भी है, छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, ठीक है। तो आप पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना जो है नोटिफिकेशन जो है ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको भरना है। साथ में हमने ऑफिशियल लिंक भी दे दी है DRDO के, यहाँ से आगे अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, सरकारी एग्जाम ऑफिशियल ऐप जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया दे रहा है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सरकारी एग्जाम ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफाइड है ब्लू टिक के साथ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ में आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है वो यहाँ पल पल मिलती रहेगी, गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट एंटर की एडमिशन फॉर्म जितने भी रिलेटेड चीज़ हैं आपको यहाँ मिल जाएगी। बस करना क्या, आपको ज्वाइन कर लेना है या प्ले स्टोर हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो अगर आप हमारी साइट ओपन करते हैं तो एक साइड में नोटिफिकेशन आइकन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो हमारे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।